कश्यप राजपूत सभा एवं एकलव्य संगठन की ओर से करनाल की कश्यप राजपूत धर्मशाला में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर पूर्व दस्यु सुंदरी एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी के पति उमेर सिंह कश्यप मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने समाचार एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि पूर्व सांसद फूलन देवी के नाम पर समाज के लोगों की मांग है कि करनाल व कुरुक्षेत्र में जीटी रोड हाईवे पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। समाज के लोगों को राजनीति में आगे लाकर समाज को और संगठन को मजबूत किया जाए। इस मौके पर उन्होंने पूर्व सांसद फूलन देवी के हत्यारों को सजा देने की बात भी कही। यहां हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद फूलन देवी यूपी के मिर्जापुर सीट से सांसद थी। उनके दिल्ली निवास पर उनके सरेआम हत्या कर दी गई थी। उनकी मौजूदगी में ही एकलव्य संगठन का गठन किया गया था, जिसको फूलन देवी के पति उमेश सिंह कश्यप द्वारा चलाया जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुछ कहना चाहेंगे सर? आज पूरे देश में इसको दबे कुचले लोग जो गरीब समाज के लोग थे, फूलन देवी को अपना आदर्श मानते थे, और आज फूलन देवी हमारे बीच में नहीं है, तो 25 जुलाई को पूरे देश में फूलन देवी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो आज एक प्रस्ताव पास किया है हमने यहाँ पे सब ने मिलके कि फूलन देवी के नाम से एक स्मारक की स्थापना की जाए, जीटी करनाल रोड पे, चाहे कुरुक्षेत्र में हो चाहे करनाल में हो। तो ये हमने प्रस्ताव पास किया है और इस शहीदी दिवस को सब ने मिलके ये फैसला किया है कि करनाल के सभी जिलों में, ब्लॉक में, हल्के वाइज भी और प्रदेश वाइज बड़े लेवल पर भी हर साल मनाया जाएगा। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कुछ आपके? हाँ, इसमें हमारे हम चाहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो फूलन देवी ने जो संघर्ष किया उससे प्रेरणा लिए हुए लोग सब एक साथ होकर के और इस विधानसभा के चुनाव में अपनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी सुनिश्चित करें और इसमें अपनी ताकत का एहसास कराए लोगों। जो आरोपी हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? ये पहले ही बोल दिया मैंने कि उन आरोपियों को जेल के अंदर डाला जाए और फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।